हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्री बैक्स गोयल। बच्चों, आज जैसा कि मैंने लास्ट जो लेक्चर लिया था पार्ट वन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का, ये बेसिकली पार्ट नंबर टू है। पार्ट नंबर वन में हमने क्या बेसिकली क्या पढ़ा था, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस पढ़ी थी और जनरल फॉर्म्स पढ़े थे और कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। आज हम थोड़े क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाने वाले हैं बच्चों। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर वन बेसिकली क्या दे रखा है, सॉल्व एक इक्वेशन दे रखी है बच्चों, ठीक है। अब ये बेसिकली इक्वेशन दे रखी है, देखिए तो क्या करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 2x प्लस 4 साइन 4x माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या रखी है, बेसिकली 1/9 दे रखी है। अब आप इसके अंदर क्या ढूंढेंगे, रिलेशन ढूंढेंगे। अब कोई ना कोई तो फॉर्मूला का रिलेशन निकल रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी टर्म का हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने का ही सोच रहे हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो जाएगा। और उसका होल स्क्वायर करोगे क्या आएगा, ये आएगा। इट मीन्स ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए फर्दर मैं क्या लगा सकता हूँ, ये बेसिकली क्या है, 4 साइन 4x है, साइन की पावर 4x है। और जैसे ही आपने यहाँ से 4 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, 4 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे बेसिकली क्या है, साइन 2x है, तो साइन स्क्वायर 2x है। तो इसका भी फॉर्मूला खोल दीजिए, क्योंकि हाँ यहाँ दोनों तरफ एंगल क्या है, एक्स एक्स है, यही एंगल 2x है, इट मीन्स यहाँ पे हाफ एंगल है। फॉर्मूला क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों, 1/9 दे रखा है, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर आ जाएगा। अब कोस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम, तो क्या कॉमन आ रहा है डिनोमीटर से, 4 कोस स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगी। तो 4 कोस स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और यहाँ क्या बच गया, साइन स्क्वायर बच गया, ठीक है। इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 1/9 मिल गया। अब ये बेसिकली क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है। और साइन की पावर 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया मेरे पास में, 10 की पावर क्या बन गया, 4x बन गया। और यहाँ क्या है, 1/9 है, क्या है, 1/9 है। अब जैसे ही मैंने स्क्वायर लिया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, 1/√3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको क्या लिखा, 1/3 का होल स्क्वायर लिखा, तो मैंने इसको काट दिया। और 1/3 को मैं √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ताकि हमारे पास में क्या बन जाए, एक जनरल फॉर्मूला बन जाए, जो कि हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पार्ट नंबर वन में। अभी 1/√3 कब होता है, 10/10 π/6 की वैल्यू होती है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पाई क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। वैसे ही देखिए इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू में बेसिकली क्या दे रखा है आपको, एक लॉगरिथम में दे रखा है, लॉगरिथम में इक्वेशन दे रखी है। तो लॉगरिथम भी सॉल्व करना क्या है, बहुत ईजी है। तो देखिए आज मैं लॉगरिथम की एक बेस्ट अप्रोच सिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू में बेसिकली हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर टू में हमको गिवन है लॉग बेस 10 और फिर क्या दे रखा है, 2+4 कोस स्क्वायर एक्स है इक्वल टू 2 है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। अब देखिए फर्दर देखिए, अब जैसा कि आपको ये वैल्यू क्या होती है, बेस होती है और ये नंबर की वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब जब लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तब क्या क्या करना है आपको, जो भी बेस होता है वो एक्सपोनेंट के बेस में डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, सीधा 4 2+4
कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ सीधा चल सीधा क्या आ जाएगा, बेस में आ जाएगा, और टू क्या चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। ये ट्रिक याद रखनी है आपको, जो भी बेस है वो एक्सपोनेंट का बेस बन जाएगा। इट मीन्स टेन टेन एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन ना ले सकते हो आप, टू कॉमन ले सकते हो, तो वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे बेसिकली मेरे पास में क्या आ गया, टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर क्या लिखता हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स ले सकता हूँ, तो इसमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे रहने दो, नीड हुई तो लेंगे। और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को क्या कर दीजिए, उधर भेज दीजिए, जैसे मैंने इधर भेजा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या आ जाएगा, फोर कॉस की पावर फोर एक्स, इसको क्या कर लीजिए, इसको भी कॉस को चेंज कर लीजिए, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, इसको भी इधर लेकर आ जाइए, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, फोर कॉस की पावर फोर एक्स प्लस टू और वन कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, थ्री कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अब ये एक तरह की बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, क्या बन चुकी है, बायक्वाड्रेटिक। तो बायक्वाड्रेटिक को क्या कर लीजिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक में चेंज कर लीजिए, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम टी लेट कर लेते हैं, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, फोर टी स्क्वायर प्लस थ्री टी माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक लाइन में सॉल्व करना सिखाया ही था, अगर आपको सीखना है तो आप हमारे हमारे वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं, तो मैंने एक अलग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट में सिखाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, तो टी की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई करके क्या लेके आना है, मल्टीप्लाई करके माइनस फोर लेके आना है, सिर्फ नंबर को पकड़िए, तो फोर किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, टू टू जा फोर, फोर वन जा फोर, ये तो हो नहीं सकता, यही होगा कि फोर में से अगर वन जा रहा है तो थ्री पर आ रहा है, तो प्लस फोर और माइनस वन आ गया, तो इसके साइन क्या कर लेना है आपको, चेंज कर लेना है, तो माइनस फोर और प्लस वन आ जाएगा। अब जो भी टी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव है उसको क्या कर लेना है आपको, डिवाइड कर लेना है, ठीक है ना। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन आ गई, और ये एक टी की वैल्यू क्या आ गई, वन बाई फोर आ गई, ठीक है। फर्दर देखिए, फर्दर हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, बेसिकली वन बाई फोर आ गई, ठीक है। और टी की वैल्यू पुट कर लीजिए, टी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है, वन बाई फोर है, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर जैसे ही लगाओगे तो क्या देगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, ये रियल रूट्स नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, यही हो सकता है। अब मैं वन बाई फोर को क्या लिख सकता हूँ, वन बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब जैसा कि आपको पता है, कॉस में वन बाई टू का होता है, साइन में थर्टी पे होता है, फाइव बाई सिक्स पे होता है, इसमें क्या होगा, पाई बाई थ्री पे होगा, कॉस पाई बाई थ्री पे होगा। अब आप फॉर्मूला जानते ही हो, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, टू एन पाई, क्या आ जाएगा, टू एन पाई प्लस माइनस क्या आ जाएगा, पाई बाई थ्री आ जाएगा, और एन बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली एक सीरीज में दे रखा है डाटा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री बनाते हैं। तो थ्री में बेसिकली क्या दे रखा है आपको, टू की पावर में दे रखा है, टू की पावर में क्या दे रखा है, थ्री, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू की पावर वन प्लस मोड ऑफ कॉस एक्स प्लस मोड ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे दे रखा है, वो इन्फिनिटी टर्म है, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, फोर दे रखी है, ठीक है। अब देखिए, अब ये बेसिकली क्या चल रहा है यहाँ पे, ये इन्फिनिटी सीरीज चल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव अगर मैं इस फर्स्ट सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म डिवाइड करूँ तो क्या रहा है, मोड ऑफ कॉस एक्स आ रहा है, मोड ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर में कॉस एक्स, मोड कॉस एक्स से डिवाइड करूँ तो क्या आ रहा है, मोड कॉस एक्स आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका कॉमन रेशियो क्या है, सेम है, अगर कॉमन रेशियो अगर सेम है तो इसका जो कॉमन रेशियो है ना वो क्या आ रहा है, बेसिकली मोड कॉस एक्स आ रहा है। इट मीन्स ये क्या है, एक इन्फिनिटी सीरीज है, इन्फिनिटी जीपी वाली सीरीज है, और जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस इन्फिनिटी का, एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर होता है फॉर्मूला, आर के वैल्यू दे रखी है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, वन अपॉन वन माइनस आर के वैल्यू क्या है, मोड कॉस एक्स है इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा, ठीक है। इस फोर को आप क्या लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इक्वेट कर लेंगे, तो इक्वेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वन माइनस
वन अपॉन वन माइनस मोड कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। कॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, टू माइनस टू मोड कॉस एक्स, इसको इधर भेज दीजिए और उसको इधर लेके आइए तो क्या आ जाएगा, टू मोड कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। टू को डिनोमीटर में लेके आ जाइए। अब जैसे ही आप वैल्यू यहाँ से मोड हटाते हैं तो वैल्यू क्या देगा, प्लस माइनस देगा। अब जैसे ही आप प्लस माइनस दे रखा है, अगर आप दोनों तो स्क्वायर कर लेते हैं तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, एक जनरल फॉर्म बन जाएगा इक्वेशन का, जो कि हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब कोस में कब होता है ये वैल्यू, तो ये कोस में पाई बाई, अभी थोड़ी देर पहले किया था तो पाई बाई थ्री पर होता है, ठीक है। अब ये हम जानते ही हैं, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस माइनस क्या आ जाएगा, पाई बाई थ्री आ जाएगा, और n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़े से एडवांस क्वेश्चन थे जो कि हमने बनाए, ठीक है। फिर ये चैप्टर, जब भी चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपको जे एडवांस सीरीज भी करवाई जाएगी, तो उसके अंदर और मैक्स लेवल के क्वेश्चन लिए जाएंगे। फिर देखिए अपना बुक का जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, ए कोस एक्स बी साइन एक्स इक्वल टू सी, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। तो बेसिकली नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या दे रखा है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस है, वो भी किसकी, किस फॉर्म है, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, सी दे रखा है। जब भी आपको इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, सॉरी इस तरह की ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस मिल जाए, तब आपको क्या करना है, तो इसको एक ट्रिक है बच्चों, क्या है, अगर कोस और साइन दोनों अगर एक साथ आए और इसका मल्टीप्लिकेटिव कुछ भी है, ठीक है ना, यहाँ पे ए और बी है, ये एक जनरल फॉर्म है जो मैं सिखा रहा हूँ, तब आपको क्या करना है, वी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोथ साइड। आपको क्या करना है, कोस एक्स और साइन एक्स का जो भी मल्टीप्लिकेटिव है उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट करके आपको क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है, डिवाइड कर लेना है, उससे क्या बन जाएगा, एक फॉर्म में बन जाएगा। बेसिकली हमको कोस और साइन दोनों फॉर्म में एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं इसको इसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेके आ जाऊं तो हमारे लिए सॉल्व करना क्या होगा, इजी होगा, जस्ट बिकॉज मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। फिर देखेंगे आप, अब मैं इसको क्या कर लेता हूं, इसको क्या कर लेता हूं, कोस थीटा लेट कर लेता हूं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, कैसा आएगा वो देखिए, समझिए इसको, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, इसको ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है ना। अब जैसे कोस थीटा है, ये इसको कोस थीटा लिया, तो कोस थीटा जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये बेस की वैल्यू हो गई ए, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो गई, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गई, इट मीन्स ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अब आप साइन थीटा भी निकाल लीजिए, तो साइन थीटा बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है, बी है, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जो कि आ चुकी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक जनरल फॉर्म में बढ़ा के एक टर्म में ला सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, कोस एक्स प्लस थीटा आ जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गई, ठीक है। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको आप लेट कर लीजिए, कोस बीटा लेट कर लीजिए, ये टर्म लेट कर लीजिए। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, एक्स प्लस थीटा, इसको मैंने थीटा लिया था, तो एक्स प्लस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, टू एन पाई प्लस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। फिर आप थीटा को उस तरफ भेजिए तो आपके पास में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस बीटा माइनस थीटा आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई, जनरल इक्वेशन आ गई, ठीक है ना, जहाँ पे n बिलोंग्स तो क्या है, z है। तो ये एक फॉर्म हो गया, ये फॉर्म नंबर वन हो गया। अब इसमें एक और फॉर्म बनता है, क्या बनता है, एक और फॉर्म बनता है। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था जो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस पे लगाएंगे तो इजीली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, जेई के अंदर, ठीक है। फिर देखिए एक फॉर्म नंबर टू है, फॉर्म नंबर टू बेसिकली क्या है कि मैं इसको क्या ले लेता हूँ, मैं इसको क्या ले लेता हूँ, देखिए पूरा बना लेते हैं वापस। अब इसमें एक फॉर्म बेसिकली और है जो कि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई इसकी,
ठीक है ना, जैसे कोस एक्स प्लस थीटा, फॉर्म नंबर फर्स्ट ही कर रहे हैं पहले, कोस एक्स प्लस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस वन से प्लस वन के बीच में होती है। अब इसकी पूरी की वैल्यू क्या है, यही आई थी सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई थी, ठीक है ना। अब इसमें एक थोड़ा सा और अपन क्या करते हैं, थोड़ा गहरे में जाते हैं इसमें, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैं आपका, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर मैं ये माइनस वन हटा दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ मॉड आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, अगर ऐसा होता है तभी इक्वेशन क्या होगी, सॉल्व होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। ये तो ट्रू है, बट अगर ऐसा हो तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। जिस इक्वेशन के क्या आएंगे बेटा, नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अगर ऐसा आता है, अगर मोड ऑफ सी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या आ जाए, बड़ी आ जाए, तो उस इक्वेशन का क्या होंगे, सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अब हम फॉर्म नंबर थ्री करते हैं, ठीक है। फॉर्म नंबर थ्री में बेसिकली हम क्या कर सकते थे, कोस से हम साइन में भी बना सकते थे, ठीक है ना। तो अब हम सेकेंड फॉर्म करते हैं। सेकेंड फॉर्म बेसिकली क्या है, सेकेंड फॉर्म है अगर हम इसको क्या ले लें, साइन थीटा ले लेते हैं, और इसको क्या ले लेते हैं, इसको कोस थीटा ले लेते हैं, ठीक है ना। साइन थीटा है तो ये ऑटोमेटिकली कोस थीटा बन जाएगा, वैसे ही जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, साइन साइन थीटा, साइन एक्स प्लस थीटा ले सकते हैं, और ये हमारी वैल्यू जो है वो क्या है, सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। फिर से इसको क्या ले सकते हैं, साइन बीटा ले लेते हैं, ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, दोनों को इक्वेट किया हमने, तो हमारे पास इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एन पाई फिर माइनस वन की पावर एन, और यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, थीटा को उधर भेज दीजिए तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस वन की पावर एन, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस थीटा आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, एक जनरल सॉल्यूशन आ गया, क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हमने किया था, ठीक है। ये टॉपिक जो मैंने आपको पूरा डेरिव किया है फॉर्मूला, ये आपको क्या करना है, क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है, ठीक है ना। ये बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। फिर देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है ना। इसका जो सॉल्यूशन है उसका आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर करना है इसका, ठीक है ना। इसको कमेंट में आंसर करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर टू लेता हूँ, ये तो बहुत सिंपल है, जैसा कि मैंने अपने मैक्स लेवल वाला कराया था, कॉन्सेप्ट सीखा है पूरा, उसमें आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, सीधा ही पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर हम टू बना लेते हैं, इसका हमको, इसका आपको कमेंट में आंसर करना है, ठीक है बच्चों। ये सब सबके लिए होमवर्क है, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। आई होप मुझे सब बच्चे आंसर करेंगे इसका, जो भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जो भी वीडियो देख रहा है वो सब सॉल्व करेंगे इसका, और इसका कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में बेसिकली क्या दे रखा है, रूट थ्री कॉस थीटा माइनस थ्री साइन थीटा, और क्या दे रखा है आपको, साइन टू थीटा कॉस थ्री थीटा दे रखा है, ठीक है। अब देखा, देखिए इसमें बेसिकली क्या लग रहा है, इसमें ये सिंगल सिंगल टर्म तो है, लेकिन अभी प्रॉब्लम है कि ये दोनों टर्म भी आ गए साथ में, तो ये इस तरह का फॉर्म नहीं बन रहा है, तो बनाने की कोशिश करना है। अब देखो टू को अंदर डाल दिया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टू बड़ा एंगल हमेशा आगे रखना है और छोटा एंगल पीछे, ठीक है। अब ये बेसिकली फॉर्म कौन सा है, टू कोस ए साइन बी कौन सा फॉर्मूला है वो आपको लगाना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू, ये थोड़ा सा मार्कर लाइट चल रहा है तो हम ग्रीन मार्कर यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, ग्रीन मार्कर यूज कर लेते हैं, सॉरी, जो भी हमारा जो भी आया। अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, टू कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का होता है, ठीक है। तो साइन थ्री थीटा प्लस टू थीटा माइनस साइन थ्री थीटा माइनस टू थीटा, ये लगा सकते हैं हम, और यहाँ क्या आ जाएगा, रूट थ्री कोस थीटा माइनस थ्री साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अब बेसिकली क्या बन रहा है, यहाँ पे टू कोस ए साइन बी बन रहा है, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, रूट थ्री कोस थीटा माइनस थ्री साइन थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए,
तो क्या आ जाएगा, साइन थ्री थीटा प्लस टू थीटा आ जाएगा। ये टू कोस ए साइन बी का फॉर्मूला है, तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अप्लाई कर लीजिए, साइन थ्री थीटा माइनस टू थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, रूट थ्री कोस थीटा माइनस थ्री साइन थीटा, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन फाइव थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस टू साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, आपको इसको इधर भेज दीजिए, टू से क्या कर देना था आपको, अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ से टू क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, दोनों तरफ टू डिवाइड कर लीजिए, तो कोई ना कोई फॉर्म तो ज़रूर बनेगा। और इस साइन को इस तरफ लेके आ जाइए, ठीक है ना, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, रूट थ्री बाई टू कॉस थीटा, अब माइनस थ्री बाई टू है और ये प्लस का वन है, इस तरफ आएगा तो क्या प्लस वन हो जाएगा, क्या जाएगा, माइनस वन बाई टू, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, अब देखो ये जनरल फॉर्म बन चुकी है, क्या बन चुकी है, जनरल फॉर्म बन चुकी है। अब आप क्या कर लीजिए, इसको इसको कॉस थीटा ले लीजिए, कॉस थीटा ले लीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली वन वाला जो है, अब कॉस किसकी वैल्यू है, ये कॉस पाई बाई सिक्स की वैल्यू है, ठीक है, रूट थ्री बाई टू है, और ये वैल्यू वन बाई टू कब हो जाएगी, ये साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू हो जाएगी वन बाई टू। तो यहाँ बेसिकली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, कॉस माइनस आता है तो यहाँ प्लस आएगा बेसिकली, तो क्या आ जाएगा, पाई पाई बाई सिक्स प्लस क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे साइन फाइव थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस पाई बाई टू माइनस फाइव थीटा लिख सकते हैं। अब देखो ये से कैंसिल कर सकते हैं हम, ठीक है, ये से हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास में बेसिकली क्या आ जाएगा, पाई बाई सिक्स। अब ये बेसिकली जो फॉर्मूला है वो क्या है, पाई बाई सिक्स प्लस थीटा, और फिर क्या आ जाएगा, टू एन पाई प्लस माइनस क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस फाइव थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ले लीजिए, ठीक है, फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, पाई बाई सिक्स को आप ये वाला जो छोटा वाला एंगल है ना, इसको यहाँ रख लीजिए, ये वैसे अगर पाई बाई टू में फाइव थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे छोटा ही आएगा, तो ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लीजिए। अब क्या करते हैं, वी टेक पॉजिटिव साइन, वी टेक नेगेटिव साइन, हम क्या करते हैं, दोनों साइन लेते हैं, तो यहाँ थोड़ा ऊपर लिखता हूँ ताकि फिर दिखे, ठीक है, फिर देखिए, वी टेक पॉजिटिव साइन, एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए, एक बार नेगेटिव साइन ले लीजिए, तो पॉजिटिव साइन लिया तो मेरे पास में क्या आएगा, पाई बाई सिक्स प्लस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, टू एन पाई प्लस पाई बाई टू माइनस फाइव थीटा आ जाएगा। और फाइव थीटा को आप इस तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, सिक्स थीटा आ जाएगा, तो टू एन पाई पाई बाई टू में से पाई बाई सिक्स जाएगा, पाई बाई टू बोले तो 90 डिग्री होता है, तो पाई बाई सिक्स कितना होता है, 30 डिग्री होता है, 90 में से 30 डिग्री जाएगा कितना बचेगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, थ्री लिख सकते हैं। अब थीटा वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से सिक्स डिवाइड कर लीजिए तो क्या आएगा, एन पाई बाई थ्री आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय सिक्स थीटा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। सिमिलरली यहाँ पे जो एन की वैल्यू होगी वो जेड होगी, वी टेक नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन ले लीजिए तो क्या आएगा, पाई बाई सिक्स प्लस थीटा, टू एन पाई माइनस पाई बाई टू प्लस क्या आ जाएगा, फाइव थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब फाइव थीटा को हम इस तरफ लेके आते हैं तो क्या आता है, माइनस फोर थीटा, ठीक है ना, और इसको हम इस तरफ लेके आते हैं तो क्या आता है, टू एन पाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाई सिक्स फिर से इस तरफ आया तो क्या बचेगा, पाई बाई सिक्स पाई बाई थ्री बचेगा, क्योंकि ये माइनस नाइन्टी है, ये क्या है, माइनस नाइन्टी है, माइनस नाइन्टी इस तरफ आया तो क्या आ गया, माइनस नाइन्टी, और ये भी अगर इस तरफ आया तो नाइन्टी और सिक्स नाइन्टी और थर्टी कितना हो जाएगा, वन ट्वेंटी हो जाएगा। तो वन ट्वेंटी को क्या लिख सकते हैं, टू पावर थ्री लिख सकते हैं, टू पावर थ्री हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस फोर से डिवाइड कर लीजिए तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, माइनस माइनस एन पाई बाई टू आ जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा, प्लस, और ये क्या आ जाएगा, एक टू कट जाएगा,
तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 6 आ जाएगा, जो कि हमारा फर्दर सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह मैं आपको पढ़ाता रहूं, ताकि नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो जैसे आपके पास आते रहें तो आप वन बाई वन पढ़ते रहें। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर कीप सपोर्टिंग।